और सुनने वाला कोई नहीं। मैं किसी गवर्नर के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मुलाजिम के खिलाफ नहीं, मैं सिस्टम के खिलाफ। जमहूरियत में अफसरों को एमएलए करने का, एमएलए का काम करने का, मिनिस्टर का काम करने का कोई हक नहीं। वो हमारे चुने हुए नुमाइंदे नहीं होंगे, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान ही क्यों अफसर ना हो, वो जम्मू का हिंदू ही क्यों ना अफसर हो। उसका काम दफ्तर में बैठकर, सेक्रेटरी में बैठकर चुनी हुई सरकार के एजेंडे को चलाना, न कि उनकी जगह लेना और खुद ही सरकार, खुद ही एमएलए, खुद ही मिनिस्टर बन के उनका काम करना। मैं ये नहीं कहता कि वो नाकाबिल, लेकिन वो उस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के आईन में उनको अलग जगह दी है काम करने के लिए। हिंदुस्तान के आईन में या जम्मू कश्मीर का जो पहला आईन था उसमें ये काम हमारा है जो मेरे साथी यहां बैठे हैं, क्या और दूसरी पार्टियों के बैठे हैं, ये उन चुने हुए नुमाइंदों का। तो लिहाजा गुज़िश्ता 6 साल से ये पहले गवर्नर रोल और अब नेशनल गवर्नर रोल चल रहा है, मैं उस सिस्टम के खिलाफ, उस सिस्टम में हमारा दम घुट रहा है। स्कूल में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सड़क में खड्डे हैं कि खड्डों में सड़क है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, बेकारी बेरोजगारी अपने उरूज पे है, बच्चे लाखों बच्चे एमए एलएलबी पीएचडी करके घर में बैठे हैं। और सबसे मुझे जो डर है कि ये तमाम बच्चे और बच्चियां जिन्होंने ग्रेजुएशन को हर घर में आधा दर्जन, बीएलएलबी है, एमएलएलबी है, पीएचडी है, एक एक गांव में दर्जन दर्जन आधा आधा दर्जन पीएचडी, और उनमें से चंद बच्चे और बच्चियां 3-3 हजार पे तनख्वाह करते हैं, 3-3 हजार तनख्वाह पे काम करते हैं, 10-12 उम्मे के लोग हैं, कई लड़कियां लड़कियों ने शादियां की हैं, उनकी कोई सुनता। मैं दंडार में 3 महीने रहा, अक्टूबर के महीने में, मेरे जमाने में डॉक्टर और नर्सें वहां तैनात हुई हैं। यकीन करिए अल्लाह हाजिर नाजिर है, 16 साल से उनका तबादला वापस नहीं हुआ। वो लड़के और लड़कियां कहां की है, अनंतनाग की है, पुलवामा की है, श्रीनगर की। 2 लड़कियां कहते हैं पागल हो गई, 5-6 लड़कियों की शादी तय होकर मुंतकिल हो गए। जब मुझे वो डाक बंगले में मिलने आए और लड़कियां उनको ऐसे रोना शुरू किया, जोर से जारो दार जैसे कोई मातम हो रहा,
मैं चंद मिनट के लिए बाहर निकला, मैं उनका रोना देखा। अस्पताल में गया तो कहा आना अस्पताल डॉक्टर के बगैर खाली, वो अस्पताल भी मैंने 200 बेड का बनाया, वो इन्होंने नहीं बनाया था। और डॉक्टर भी कभी भेजे थे तो पूरी डॉक्टर ने आज नहीं। और एक दूसरी फिक्र, सब बच्चे कश्मीर को जम्मू बिलखसूस कश्मीर वाली और चुनाव Come on,